Good morning, dear children. How are you today? I hope you are absolutely fine at home. Dear student, open at page number 67, write down c.w, date and day. Today, we will learn about safety at school. We can get hurt in the school as well. So, to avoid such accidents and injuries, we should follow some safety rules at school. So, कभी कभी क्या होता है कि स्कूल में हमें आ, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है इंजरीज हो जाती है तो ये जो इंजोरीज है या जो एक्सीडेंट है उनको रोकने के लिए हमें कुछ स्कूल में जो सेफ्टी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए तो फर्स्ट इज़ अ फर्स्ट सेफ्टी रूल इज़ अ डू नॉट रन अबाउट इन द क्लास रूम एंड कॉरिडोर्स तो कॉरिडोर्स यानी जो गलियारा होता है वह तो जब भी हम क्लासरूम में हैं या कोरिडोर में हैं तो हमने भागना नहीं चाहिए ठीक है गो अप एंड डाउन द स्टेयर स्लोली इन अ लाइन जब भी हमें सीढ़ियों से उतरना है या चढ़ना है तो हमने स्लोली चलना चाहिए धीरे से चलना चाहिए और एक लाइन में हमने चलना चाहिए डू नॉट प्ले अ रफ गेम तो हमने ऐसे गेम नहीं खेलना चाहिए कि जिसके वजह से दूसरों को हानि पहुंच सके दूसरों को नुकसान हो सके ऐसे गेम हमने नहीं खेलना चाहिए डो नॉट प्ले नियर बार वायर जो वायर है जो अनकवर्ड वायर है तो ऐसे वायर के साथ आ, साथ हमने खेलना नहीं चाहिए और ऐसे वायर के पास में हमने रहना नहीं चाहिए वी शुड नॉट क्लाइम ऑन डेक्स एंड चेयर्स एज वी मे फॉल एंड गेट तो जब भी हम क्लास रूम में रहते हैं तो हमने डेक्स होते हैं बेंचेस होते हैं चेयर्स होते हैं तो इस पर हमने चढ़ना नहीं चाहिए नहीं तो हमें हर्ट हो सकता है हम गिर सकते हैं हमें चोट लग सकती है इसलिए हमने वहाँ नहीं चढ़ना चाहिए वी शुड नॉट पुश ईच अदर फाइल प्लेइंग जब भी हम खेलते हैं तो हमने एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए डो नॉट थ्रो चौक पीसेस एट इच अदर तो जब भी हम क्लासरूम में रहते हैं तो जो चॉक्स होते हैं उसके जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं तो वो हमने एक दूसरे के ऊपर फेंकना नहीं चाहिए ठीक है उ शुड नाट रन ऑन द स्टेयर हमने जब भी सीढ़ियों से जाना हो तो हमने वहाँ रन नहीं करना चाहिए वी शुड टेल द टीचर इफ़ वी गेट हर्ट जब भी आपको जो हर्ट होता है चोट लगती है या इंजुरीज होती है तो आपने जो टीचर्स होते हैं उनको बताना चाहिए डू not एंटर laboratories. जो प्रयोगशाला होती है तो हमने वहाँ एंट्री नहीं करना चाहिए विदाउट परमिशन तो जब भी लेबोरेटरी ओपन हो तो हमने वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत सारे केमिकल्स होते हैं तो वो अगर गिर जाते हैं या आ, हम उसको टच करते तो हो सकती है कि वहाँ आग भी लग सकती है और हमें इंजोरीज भी हो सकती है तो इसलिए हमने लेबोरेटरी में नहीं जाना चाहिए ठीक है ऑलवेज लिसन टू यूवर टीचर तो हमने हमेशा जो टीचर्स होती है उनकी बात को फॉलो करना चाहिए उनकी बात हमें सुनना चाहिए नेवर फाइट टू इच अदर जो भी क्लास में स्टूडेंट होते हैं क्लासमेट्स होते हैं तो उनके साथ हमने फाइट नहीं करना चाहिए हमने फ्रेंडली रहना चाहिए ठीक है नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेफ्टी एट द प्ले ग्राउंड तो जब भी हम खेलते हैं प्लेग्राउंड में खेलते हैं तो हमने किस बात को किस बात के सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए बी केयरफुल वाइल प्लेइंग इन द प्ले तो जब भी हम प्ले में खेलते हैं तो हमने केयरफुल होना चाहिए ऑलवेज फॉलो द रूल ऑफ द गेम हमने हमेशा जो गेम के रूल है उन्हें हमने फॉलो करना चाहिए डो नॉट पुश और पुल अदर्स जब भी हम खेलते हैं तो हम हमने किसी को पुश नहीं करना चाहिए और किसी को पुल भी नहीं करना चाहिए हमने धक्का देना नहीं चाहिए या उन्हें खींचना भी नहीं चाहिए डो नाट प्ले ऑन द रोड ऑन रूफ टॉप नीयर लेग्स और पौंड्स जब भी हम खेलते हैं तो हमने जो रूफ्स होते हैं यानी छत होता है या जो लेग होते हैं पौंड होते हैं उनके पास हमने खेलना नहीं चाहिए प्ले इन अ पार्क और गार्डन जब भी हमें खेलना हो तो या हमें पार्क में खेलना चाहिए या गार्डन में खेलना चाहिए या जो प्ले ग्राउंड होता है वहाँ हमने खेलना चाहिए ठीक है अदर सेफ्टी रूल्स आर डू नॉट फ्लाई काइट फ्रॉम एन ओपन टेरिस जब भी हमें पतंग उड़ाना हो तो हमने जो ओपन टेरिस है वहाँ पे हमने जो काइट है वहाँ उड़ाना नहीं चाहिए टेरिस यानी जो छत होती है तो अगर वो ओपन है तो इस जगह पे हमने नहीं खेलना चाहिए यू मे फॉल डाउन हम क्या हो सकते हैं ओपन टेरिस से गिर सकते हैं और हमें इंजरीज हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है डो नॉट गो अलोन फॉर अ स्विम जब भी हमें स्विमिंग करना हो तो हमें अकेले नहीं जाना चाहिए जो हमारे एल्डर्स है या एडल्ट है उनके साथ हमने जाना चाहिए अकेले हमने स्विम नहीं करना चाहिए ठीक है लुक एट दिस पिक्चर दिस इज़ अ ओपन टेरिस तो ये जो ओपन टेरिस है इस जगह से हमने जो काइट है वो उड़ाना नहीं चाहिए और जो जब भी हम स्विमिंग करते हैं तो हमने अकेले स्विमिंग नहीं करना चाहिए ठीक है तो टर्न ओवर पेज डू नॉटिस एनिमल ऑर्डर्स स्ट्रे डॉग्स जब भी हमें जब भी जब हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे जानवर दिखते हैं कुत्ते दिखते हैं तो हमने उन जानवरों को हमने छेड़ना नहीं चाहिए यानी टीजा ने छेड़ना नहीं चाहिए उसी तरीके से जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं यानी भटके हुए जो डॉग्स होते हैं उनको भी हमने चिड़ाना नहीं चाहिए डो नॉट कंसिल द इंजरीज जो भी हमें चोट लगती है इंजोरीज होती है तो कंसील ने छिपाना तो हमने वह छिपाना नहीं चाहिए इफ़ यू आर हर्ट एट स्कूल रिपोर्ट टू यूवर टीचर जब भी आपको हर्ट होता है आपको चोट लगती है इंजरीज होती है तो आपने अपनी जो स्कूल टीचर है क्लास टीचर है तो उनको हमने बताना चाहिए वेन वन ऑफ़ यूर प्लेमेट्स गेट्स हर्ट ू मे नीड टू गिव फर्स्ट एड बिफोर एन एल्डर कम्स तो जब आपका जो प्ले है या आपका क्लासमेट्स है तो उसको अगर हर्ट होता है तो सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए जो फर्स्ट एड है यानी प्राथमिक चिकित्सा है वो हमने सबसे पहले करना चाहिए हमारे जो एल्डर है उनके आने के पहले ठीक है लुक एट दिस पिक्चर अ बॉय इजिंग अ डॉग ये बॉय क्या कर, कर रहा है जो डॉग है उसकी जो टेल है उसको खींच रहा है तो ये क्या है कि एक प्रकार का वो डॉग को चिढ़ाना है टीजिंग करना है टीजिंग यानी छेड़ना है तो ये गलत बात है हो सकता है कि ये डॉग आपको आ, काट सकता है और आपको इंजूरीज भी हो सकती है तो दिस इज़ अ वेरी बैड हैबिट तो हमने इस प्रकार की क्रिया नहीं करना चाहिए हमने किसी भी जानवर को हमने चिड़ाना नहीं चाहिए आर यू अंडरस्टूड बेटा थैंक यू हैव नाइस डे